गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जेनेटिक सब्जेक्ट में जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है तथा जेनेटिक काउंसलिंग के लिए कौन कौन से इंडिकेशन ज़रूरी होते हैं तथा जेनेटिक काउंसलिंग कब की जाती है और जेनेटिक काउंसलिंग क्यों की जाती है। हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है। तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, तो यानी कि जेनेटिक काउंसलर के द्वारा जेनेटिक प्रॉब्लम से संबंधित कोई ऐसी एडवाइस या सलाह जो कि पेरेंट्स या फैमिली को दी जाती है, ताकि उन एडवाइस या सलाह के द्वारा जो उनके जो फ्यूचर बेबी है उसको उन जो जेनेटिक प्रॉब्लम या जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचाया जा सके। तो ये एडवाइस ही क्या कहलाती है, ये एडवाइस ही जेनेटिक काउंसलिंग कहलाती है। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस बाय गिविंग ऑफ एडवाइस टू द पेरेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन ए फ्यूचर चाइल्ड। यानी कि पेरेंट्स को दी जाने वाली वो एडवाइस जिसके द्वारा हम उनके जो फ्यूचर चाइल्ड है उसको उन जेनेटिक डिसऑर्डर या रिस्क से बचा सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन या एडवाइस ही क्या कहलाती है, तो ये एडवाइस ही जेनेटिक काउंसलिंग कहलाती है। यानी कि पेरेंट्स को दी जाने वाली वो एडवाइस जो कि उसके जो फ्यूचर चाइल्ड है उसके जेनेटिक डिसऑर्डर या कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताती हो, तो उन एडवाइसों को ही जेनेटिक काउंसलिंग कहा जाता है। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब बात करते हैं कि जो जेनेटिक काउंसलर है जो कि जेनेटिक एडवाइस देता है वो किन तथ्यों या इन्फॉर्मेशन के आधार पर जेनेटिक एडवाइस देता है। तो अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो जेनेटिक काउंसलर हेल्प आइडेंटिफाई फैमिली एट पॉसिबल रिस्क ऑफ द जेनेटिक कंडीशन बाई गैदरिंग एंड एनालाइजिंग फैमिली हिस्ट्री एंड इनहेरिटेंस पैटर्न एंड कैलकुलेटिंग चांसेस ऑफ रिकरेंस। यानी कि जेनेटिक काउंसलर क्या करता है, जेनेटिक काउंसलर जो जेनेटिक कंडीशन है या जेनेटिक प्रॉब्लम है उसकी पहचान करता है किसके द्वारा, बाई गैदरिंग एंड एनालाइजिंग फैमिली हिस्ट्री। जो फैमिली हिस्ट्री है उसके द्वारा वो सबसे पहले क्या करता है, उस जेनेटिक कंडीशन या जेनेटिक प्रॉब्लम की पहचान करता है। एंड इनहेरिटेंस पैटर्न, या फिर वो ऐसी डिजीज जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही है उनके बारे में पता लगाता है। एंड कैलकुलेटिंग चांसेस ऑफ रिकरेंस, या फिर वो जो इनहेरिटेंस जो डिजीज है उनका फिर कैलकुलेट करता है कि वो अब अगली पीढ़ी में भी वो डिजीज दोबारा से आ सकती है या नहीं। तो इन सब के बारे में कौन हेल्प करता है, इन सब के बारे में जो जेनेटिक काउंसलर है वो पहचान करता है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट की बात हुई। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में जो जेनेटिक काउंसलर है वो किस प्रकार से पता लगाता है जेनेटिक कंडीशन के बारे में, तो दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक टेस्टिंग एंड रिलेटेड प्रोसीजर। यानी कि जेनेटिक काउंसलर किसके लिए कहता है, जेनेटिक टेस्ट या फिर जो कुछ प्रोसीजर होते हैं उन टेस्ट और प्रोसीजर के द्वारा जो जेनेटिक काउंसलर है उन जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाता है। तो जेनेटिक काउंसलर किसके द्वारा पता लगाता है, कुछ जेनेटिक टेस्ट या प्रोसीजर के द्वारा उन जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाता है। तो ये तो बात हुई इसके डेफिनेशन और जेनेटिक काउंसलर के बारे में। अब बात करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग के लिए कौन कौन से इंडिकेशन जरूरी होते हैं। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज इंडिकेटेड फॉर न्यूबॉर्न इन्फेंट चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली। तो हम जेनेटिक काउंसलिंग किसके लिए कर सकते हैं, न्यूबॉर्न के लिए कर सकते हैं, इन्फेंट के लिए कर सकते हैं, चिल्ड्रंस और फैमिली के लिए कर सकते हैं। तो हम जेनेटिक काउंसलिंग न्यूबॉर्न इन्फेंट चिल्ड्रन और फैमिली के लिए कर सकते हैं। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री फॉर बर्थ डिफेक्ट और कंजेनाइटल एनोमलीज। यानी कि कौन कौन से उस पर कर सकते हैं, कुछ ऐसी फैमिली जिसमें बर्थ के समय कुछ डिफेक्ट देखने को मिलते हो या फिर कंजेनाइटल यानी कुछ जन्मजात बीमारियां देखने को मिलती है जन्म के समय, कौन कौन सी, जैसे कि क्लेफ्ट लिप्ट या क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलता हो या फिर हार्ट डिफेक्ट मिलता हो यानी कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती हो या स्पाइना बाइफिडा वाली जो कंडीशन है वो देखने को मिलती हो। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें इंडिकेशन के तो पीपल वर्क इन द एरिया ऑफ रेडिएशन केमिकल फिजिकल। यानी कि जो पेरेंट्स है या जो फैमिली है वो कहाँ पर काम कर रही हो, वो कुछ एरिया जिसमें कि रेडिएशन केमिकल फिजिकल इन एरियाज में अगर काम कर रही है तो जो इनके वजह से जो बेबी है उनके ऊपर डिफेक्ट पड़ सकता है या अफेक्ट पड़ सकता है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इन इंडिकेशन के द्वारा हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। तो ये तो बात हुई इसके इंडिकेशन की। अब बात करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग कब करते हैं, तो जेनेटिक काउंसलिंग कब करते हैं, तो इसके बारे में हम टाइप्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जेनेटिक काउंसलिंग कितने टाइप्स की होती है। तो प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग, यानी कि हम डिलीवरी के समय या प्रेगनेंसी के समय अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसको कौन से
काउंसलिंग बोला जाएगा, उसको प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग बोला जाएगा। अब अगर प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग के फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो एडवांस मेटरनल एज, मदर की एज कितनी है 35 ईयर्स ओल्ड या ओल्डर, या जो मदर है उसकी एज यदि 35 से अबाव है या 35 है तो उसके लिए हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो करंट प्रेगनेंसी विद एनोमलीज आइडेंटिफाई बाय अल्ट्रासाउंड, यानी कि जो उसको जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर एनोमलीज है, जो बच्चा है उसके अंदर कुछ एनोमलीज है और इसका पता हमने किससे किया है, इसका पता हमने जो अल्ट्रासाउंड है उसके द्वारा, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमको एनोमलीज का पता लगा है कि जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर या जो बेबी है उसके अंदर कुछ एनोमलीज देखने को मिली है, तो इसका पता हम किससे लगाया है, इसका पता हमने अल्ट्रासाउंड से लगाया है। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो करंट प्रेगनेंसी विद रिस्क फॉर मैटरनल एक्सपोजर सच एज मेडिकेशन रेडिएशन ड्रग्स एंड एल्कोहल, यानी कि जो मदर है वो क्या यूज कर रही है, तो मदर कुछ मेडिकेशन यूज करती है या रेडिएशन या फिर ड्रग्स या अल्कोहल का यूज कर रही है, तो उसके कारण भी जो बेबी है उसमें उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए भी हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस चाइल्ड विद बर्थ डिफेक्ट डेवलपमेंटल डिले और अदर जेनेटिक कंडीशन, यानी कि जो पिछले अगर डिलीवरी की बात करें तो उस समय भी बर्थ के समय जो बेबी है उसमें डिफेक्ट देखने को मिल रहे थे, या फिर जो बेबी का जो जन्म हुआ है उसका जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे हो रहा है, या फिर कुछ अदर कंडीशन जेनेटिक जो कंडीशन है वो देखने को मिली थी बेबी में, इसके लिए भी हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी मल्टीपल अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेज और केसेज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इन्फेंट डेथ, यानी कि इनफर्टिलिटी वाले पेरेंट्स हैं उनके लिए भी हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर मिसकैरेज यानी कि मिसकैरेज वाले केसेज में या फिर जो इन्फेंट डेथ वाले केसेज हैं उनके लिए भी हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई जो प्रीनेटल जो जेनेटिक काउंसलिंग है उसके बारे में। अब बात करते हैं पोस्टनेटल जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। तो पोस्टनेटल अगर जेनेटिक काउंसलिंग की बात करें तो आफ्टर जो डिलीवरी हम जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, वो पोस्टनेटल कहलाती है। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो पोस्टनेटल काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु डिस्कवर सम सीरियस इनहेरिटेंट डिजीज इन देयर फैमिली, यानी कि हम किसके बारे लिए कर सकते हैं, कुछ ऐसी फैमिली जिनके अंदर इनहेरिटेंट डिजीज यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही हो, तो उनके लिए भी हम जो डायग्नोसिस करते हैं वो कौन से उसमें आती है, वो पोस्टनेटल में आती है। तो ऐसी डिजीज जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है उनके लिए भी हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें अनदर ग्रुप ऑफ फैमिली विद डिसेबल न्यूबोर्न, यानी कि जो न्यूबोर्न है वो डिसेबल है तो उस कंडीशन में भी हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें जो कि लास्ट पॉइंट है तो पेयर्स विद टू और मोर प्रेगनेंसी लॉस कैन ऑल्सो बी रेफर टू द काउंसलिंग, यानी कि जो पेरेंट्स है या जो फैमिली है उसने टू या अधिक से प्रेगनेंसी को लॉस हो गया या फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी लॉस देखने को मिल रही है तो उसके लिए भी हम काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई पोस्टनेटल की, और पोस्टनेटल के साथ ही आपका जो जेनेटिक काउंसलिंग है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।